सो गाइस, अभी ये जो आपने बाइक देखी है वीडियो क्लिप्स के अंदर, सिनेमैटिक शॉट्स के अंदर, ये RP70 है। काफ़ी महीनों से इसको स्टार्ट नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ काम थे, इसके इंजन में भी काफ़ी लीकेज है। इधर आप देख सकते हैं इसके सील्स वगैरह काफ़ी लीक हैं। तो दूसरी बाइक यूज़ होती रही है, ये यूज़ नहीं हो सकी इतना, और अब मुझे टाइम मिला है क्योंकि अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ कि इसको मॉडिफ़ाई किया जाए, क्योंकि ये 2018 मॉडल है और कंडीशन वाइज और इंजन वाइज ये बड़ा अच्छा चली है शुरू से। बस दूसरी होंडा 70 यूज़ होती रही है तो इसको टाइम नहीं दिया जा सका उस तरह। तो अभी ये है कि आपने साथ साथ सजेस्ट भी करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसको किस तरह मॉडिफ़ाई किया जाए, इसको कैफे रेसर में इसको कन्वर्ट किया जाए, या किस तरह इसके अंदर किस तरह की मॉडिफिकेशंस इसके ऊपर की जाएं। तो आप देख सकते हैं कंडीशन वाइज ये ठीक है, 2018 मॉडल है और थोड़ा ही चली है, और उसके बाद कुछ इसमें इश्यूज़ आए, टाइमिंग चेन वगैरह का और इस तरह के इश्यूज़ थे, और उसके बाद से ये खड़ी है, काफ़ी महीनों से खड़ी है। तो अभी आज मैंने प्लान बनाया है कि इसको स्टार्ट करके देखा जाए, तो इसको स्टार्ट करके अब इसको फिर देखते हैं, तो लेट्स सी कि क्या ये स्टार्ट होती है नहीं होती। स्टार्ट हो जाती है तो इसके बाद इसकी जो सफाई वगैरह है वो करूँगा, इसको क्लीन करूँगा, और उसके बाद फिर इसको देखेंगे, इसकी ये जो सील्स वगैरह लीक हैं ये सारे काम करेंगे। तो फिर देखते हैं इसके बाद फर्दर इसके ऊपर क्या क्या काम करना है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस करनी है। आप भी साथ साथ सजेस्ट करें, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का भी। कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि इसकी टोटल एक मैं लुक चेंज करना चाह रहा हूं। तो चलें, अब टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पेट्रोल मैंने डाल दिया था अभी इसके अंदर, तो अब देखते हैं स्टार्ट करके इसको। स्विच ऑन कर दिया है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है अब इसको स्टार्ट होने में। लेट्स सी। अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा कि ये स्टार्ट होगी, पेट्रोल तो है इसके अंदर और मोबाइल ऑयल भी चेक कर लिया था मैंने, और चलें एक और ट्राई करते हैं। जी सो गाइस, कुछ कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स के बाद आपने देखा है कि ये स्टार्ट हो गई है फाइनली, दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी सो गाइस, हम सक्सेसफुल हुए हैं स्टार्ट करने में इसको। सो आप देख सकते हैं अब ये प्रॉपरली स्टार्ट है गाइस। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी स्टार्ट होगी, पर कोई 8 से 10 किक्स के बाद ये स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है इसको और बड़ी अच्छी मार्केट वैल्यू इसने बनाई है रोड प्रिंस ने, और बड़ी बड़ी अच्छी बाइक्स हैं इसकी। साउंड आप देख सकते हैं, कुछ साउंड तो आ रही है इसके इंजन में से, कुछ ठीक साउंड नहीं आ रही इसके इंजन में से, पर फिर भी ये स्टार्ट है, और इसके जो आइडल स्पीड है वो ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है इसकी आइडल स्पीड, बंद नहीं हो रही। तो इसके ऊपर कुछ इतना ज़्यादा काम तो नहीं है इसके, तो इट मींस के इंजन पे इतना ज़्यादा काम नहीं है, ये लीकेजेस वगैरह ही हैं इसकी, ये लीकेजेस की इसकी सील्स वगैरह मैं लगाऊंगा। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप सजेस्ट भी करेंगे और मैं साथ साथ इसका काम अभी स्टार्ट कर दूंगा, इसको साफ़ करना और सारा कुछ, तो साथ साथ आपके कमेंट्स भी आते जाएंगे, तो फिर मज़ीद इस पर वर्क करते जाएँगे साथ साथ जैसे जैसे आप सजेस्ट करेंगे। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है आपको, और इसी तरह चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस, मॉडिफिकेशन रिस्टोरेशन की वीडियोस आप इस चैनल पे आगे आने वाले दिनों में देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।